जन जन तक शिक्षा पहुंचाने का सपना देख वर्ष 1958 में एक कमरे से शुरू किया गया शिशु मॉडल स्कूल आज सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के रूप में वट वृक्ष बन चुका है, जिसमें आज 34 स्कूल और 22 कॉलेज हैं। इसी दिन को सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने अपने सुनहरे 64 वर्षों का फाउंडेशन डे घोषित किया है। इस अवसर पर सेंट सोल्जर मुख्य कैंपस में फाउंडर्स स्वर्गीय आरसी चोपड़ा और स्वर्गीय श्रीमती शांता चोपड़ा की प्रतिमा स्थापित की गई। इस अवसर पर चेयरमैन अनिल चोपड़ा, वाइस चेयरपर्सन श्रीमती संगीता चोपड़ा, सुनील चोपड़ा, नीलम कत्याल, सुषमा हांडा, सिमी पाशान, प्रो चेयरमैन प्रिंस चोपड़ा, प्रशांत चोपड़ा, रितु चोपड़ा, आकृति चोपड़ा सहित मैनेजिंग डायरेक्टर कर्नल आरके खन्ना, प्रोफेसर मनहर अरोड़ा, 22 कॉलेजेस और 34 स्कूलों के डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल्स और 2500 से अधिक सभी स्टाफ मेंबर्स ने मिलकर प्रतिमा से पर्दा हटा, अपने आप को संस्था का हिस्सा होने पर गर्व महसूस किया। सभी ने स्वर्गीय आरसी चोपड़ा, स्वर्गीय श्रीमती शांता चोपड़ा को श्रद्धांजलि भेंट की और शुभकामना की कि शिक्षा के क्षेत्र में उनका नाम हमेशा ध्रुव तारे की तरह चमकता रहेगा। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। स्वप्न सोचा कि पंजाब दे विच खासकर रूरल एरिया दे विच वूमेन्स दे वास्ते और टेक्निकल एजुकेशन दे वास्ते उना एरिया दे विच जिना एरिया दे विच जरूरत है, जिते पब्लिक स्कूल एजुकेशन नहीं पहुंच पाती और वो लोग वांझे रह जाते हैं अच्छी एजुकेशन तो। आज तो बहुत अच्छे दिन आ गए, मगर आज तो जो ठेंजा के बीच उन्होंने स्कूल स्टार्ट किया, जो ये स्वप्न सोचा सी लड़कियों का बाहर निकलना या लड़कियों का
दूसरे शहर के लिए जाके एजुकेशन लेना जरा वो बहुत पॉसिबल नहीं थे ना। और उन्होंने इस गल का सपना सोचा कि इन लड़कियों और गरीब परिवारों एक अच्छी एजुकेशन देने लिए सेंट जोसेफ परिवार अगे आए। बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं सी, बड़ी मेहनत के नाल साढ़े पुश्तानी मकान तो ही एक कमरे को एक स्टूडेंट के नाल जो कोई कारना चलता है कला बंदा कारना चलता उस तो बाद कारना बनता जाता। ये बड़ी अनोखी गल सी उस वक्त दे विच कि रूरल एरिया दे विच पिंडां दे विच जाके स्कूल खोलना लोग कहते थे कि उत्थे कौन पढ़न आऊगा। इस चैलेंज नूं असीं एक्सेप्ट किया और तुसीं हैरान हो गए कि साढ़े 90% जिहड़े स्कूल ने कॉलेजिज ने और रूरल एरिया दे विच ने और रूरल जनसंख्या नूं एजुकेशन दे रहे। नमन है मेरे माता-पिता को कि जिन्होंने सेंट सोल्जर के परिवार का निर्माण करने में हमें बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया। एक सेंट सोल्जर जो परिवार है वो इनके कारण अपनी पहचान बनाए हुए है। जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला रखिए, ऐसे मुसाफिरों का तो रास्ते ही इंतजार करते हैं। और मैं यही कहती हूँ कि मम्मी पापा जी जो हमारे लिए एक बीज लगाकर गए थे वो एक अगर वट वृक्ष बन रहा है तो वो आप सबके सहयोग के साथ आप सब इसी तरह दिन रात हमारे साथ लगे रहें और सेंट सोल्जर जो है इतिहास रखता रहे क्योंकि उनकी जो उन्होंने सेक्रीफाइसेस किए हैं हम लोग उससे कहीं अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। हमें वो सब चीजें हमें उन्होंने प्रदान की हैं जो उस वक्त उन्होंने देखी भी नहीं होगी। इसलिए हमारा दिन और रात उनके लिए हमारे दिल से नमन है क्योंकि आपकी कामयाबी पे आपका नाम होगा, आपके कदमों पे दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा। यही शिक्षा हमें हमारे माता पिता ने दी है। उन्होंने हमेशा एक ही बात कहनी कि गीता जी हमने तो कहा था कि आप एक बड़ा स्कूल चलाइए, आप लोगों ने तो इतना सब कुछ कर दिया तो ये सब मम्मी पापा जी का ही आशीर्वाद है क्योंकि सेंट सोल्जर की ग्रोथ जो है वो रुकेगी नहीं और जब तक हम जीवित रहेंगे हम उनके पदों पर चलकर पूरी तरह एक इतिहास रचेंगे।